अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम डेक्सोरेन सिरप के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इस सिरप में क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं, इसको किन किन प्रॉब्लमों में दिया जाता है, साथ ही साथ इसको किस तरह लेना है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। डेक्सोरेन सिरप एक हेपाटिनिक सिरप है जो कि फ्रैंको इंडिया फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इस सिरप की MRP 145 रुपये है, जिसमें आपको 200 ml की एक शीशी मिल जाएगी। यह सिरप और कैप्सूल दो फॉर्म में आता है, साथ ही साथ इसका एक पेडियाट्रिक सिरप आता है जो कि बच्चों के लिए होता है। इस सिरप में विटामिन B12 7.5 माइक्रोग्राम पड़ा होता है, साथ ही साथ इसमें फोलिक एसिड 0.5 mg पड़ा होता है। इसमें 95% अल्कोहल की मात्रा 0.87 ml पड़ी होती है। यह mg और मात्रा आपको इस सिरप की 15 ml डोज में मिल जाएगी, यानी अगर आप इस सिरप की 15 ml की डोज निकालते हैं तो उसमें आपको विटामिन B12 7.5 माइक्रोग्राम, फोलिक एसिड 0.5 mg और अल्कोहल की मात्रा 0.87 ml मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इसको किन किन प्रॉब्लम में लिया जाता है। यह सिरप हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर के भी काम आता है। सर्जरी के दौरान भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान हमारे शरीर से काफ़ी ब्लड निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उस केस में डॉक्टर इस सिरप को रिकमेंड करते हैं। अगर आपको कमज़ोरी लग रही है, थकान लग रही है, भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी लगती है, चक्कर आता है, तो उस केस में यह सिरप काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। हमारे शरीर में खून की कमी या फिर खून की कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए यह सिरप दिया जाता है। आयरन की कमी अगर हमारे शरीर में है तो उस केस में भी यह सिरप दिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एनेमिया जैसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए यह सिरप लेडी डॉक्टर रिकमेंड करती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो उस केस में यह सिरप काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं। इस सिरप को 10 साल से बड़े लोग इसको 5 ml सुबह 5 ml शाम ले सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटा पहले। इसको खाना खाने के आधे घंटे पहले आप 5 ml सुबह 5 ml शाम आधा ग्लास पानी में मिलाकर पी सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है और आपको इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो आप इसको 15 ml दिन में ले सकते हैं। 10 साल से कम बच्चों को आप यह सिरप ना दें, क्योंकि उनके लिए डेक्सोरेन पेडियाट्रिक नाम से सिरप आता है जो कि बच्चों के लिए ही होता है, तो आप उस सिरप को 5 ml सुबह 5 ml शाम उन बच्चों को दे सकते हैं। चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसको पीने के बाद अगर आपको उल्टी, चक्कर, पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम बनती है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी सलाह पर ही आप इसको पुनः लें। इस सिरप को पीने के बाद आपको हल्की सुस्ती और थकान आ सकती है, क्योंकि इस सिरप में अल्कोहल की मात्रा पड़ी हुई है। इस सिरप को पीने के बाद आपके यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको डेक्सोरेन सिरप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी जो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे आपको कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।